नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है 18 फीट बाई 48 फीट का एक हाउस प्लान। देखते हैं किस तरीके से प्लानिंग हमने की है। अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूं तो ये ईस्ट फेसिंग हाउस आपका, आप देख पाएंगे, ये आप यहाँ पे डायरेक्शन भी देख सकते हैं, ये ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग से हम यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं तो आपका जो एंट्री गेट है वो अराउंड 5 फीट 9 इंच के अराउंड है, या फिर आप इसे 6 फीट का भी बना सकते हैं, क्योंकि आगे का जो एरिया है वो पूरा 6 फीट का है, जहाँ पे हमने यहाँ पे स्टेयर्स का प्रोविजन किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। सबसे पहले मेन एंट्री की बात करें तो यहाँ से हम मेन एंटर होंगे। यहाँ से अगर एंटर हुए तो हम लॉबी के अंदर एंटर होते हैं, जो कि 9 इंच बाई 11 फीट की आपकी लॉबी है। और अगर हम यहाँ से एंटर होते हैं ड्रॉइंग रूम से, तो यहाँ पे 9 फीट 9 इंच बाई 10 फीट की आपके पास ड्रॉइंग रूम मिलता है। ये आपको लोन मिल जाता है कोई 5.5 फीट बाई 16 फीट 6 इंच का, ये चौड़ा एक लोन है जहाँ पे आप गार्डनिंग वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में यहाँ पे हमने एक विंडो लगाई है बाहर की व्यू के लिए। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे लॉबी में, तो हमने यहाँ पे एक पूजा रूम रखा है कॉर्नर में। हमने थोड़ा सा इसको वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने की भी ट्राई की है, तो मैं आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे किचन है 6 फीट बाई 7 फीट की, जिसमें 4 फीट की विंडो लगी है, ताकि यहाँ से हम बाहर का व्यू जो भी है कोई भी आया है तो यहाँ पे इजिली देख पाए। उसके बाद यहाँ पे है आपका एक सिंगल बेडरूम। देखो, एक बेडरूम नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे और एक बेडरूम है आपका फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने बेडरूम लगाया। यहाँ पे बहुत एक अच्छी खासी विंडो हमने प्रोवाइड की है। यहाँ पे आपके टीवी यूनिट लग जाएगा। 11 फीट बाई 11 फीट का आपका बेडरूम है। यहाँ से आप बाहर जाएंगे तो ओपन कोर्टयार्ड है। ये प्रोजेक्शन लाइन आपको ऊपर के फ्लोर की नजर आ रही है। यहाँ पे आपका फ्लोर लगेगा ऊपर, नीचे खाली है पूरा कोर्टयार्ड आपका। जितना अप्रोक्स सामने वाले यहाँ पे स्पेस है, उतना ही आपका पीछे की तरफ स्पेस है। जो टॉयलेट है और ड्रेसिंग रूम है वो कॉमन है, क्योंकि एक ही बेडरूम है। तो यहाँ पे लॉबी से ड्रेसिंग रूम की तरफ आपका, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम और यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम है। यहाँ पे वेंटिलेशन लगाया गया है, क्लियर है? तो इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लैंडिंग आ जाएगी आपकी, और यहाँ से आप डायरेक्टली सेम जैसे नीचे है लॉबी वैसे ही ऊपर दी गई है। जैसे नीचे किचन है वैसे ही आपका ऊपर दिया गया है। सेम बेडरूम और ये सब चीजें आपको एज इट इज यहाँ पे ऊपर आपको गिवन है। जो यहाँ पे आपका ओपन कोर्टयार्ड है, यहाँ तक आपका फ्लोर आएगा, ये बिल्कुल ओपन रहेगा आपका इतना एरिया, क्लियर? अगर बट सामने की बात करूं तो यहाँ पे जो ड्राइंग रूम था इसको हटा के हमने एक ओपन टेरिस दिया है। ये प्रोजेक्शन दिख रही है, ये ऊपर वाले फ्लोर ऊपर छत की है जो आपके लास्ट में आएगा। ये कंप्लीट एक ओपन टेरिस है जहाँ पे आपकी डिजाइनिंग वगैरह आप कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा लुक आप इस डिजाइनिंग को, आप फ्रंट फसाड को दे सकते हैं। आपकी यहाँ से भी जो स्टेयर के ऊपर वाला एरिया है वहां पे भी आपका काफी अच्छी डिजाइनिंग आ सकती है, और यहाँ पे भी आपकी काफी अच्छी डिजाइनिंग हो सकती है। अब अगर हम बात करें वास्तु के अकॉर्डिंग, तो वास्तु के अकॉर्डिंग जो आपका ड्राइंग रूम होता है वो अच्छा रहता है नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में दिया गया है। पूजा रूम का ध्यान रखा गया है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साइड में आपका पूजा रूम होना चाहिए, तो उसका ध्यान रखा गया है। स्टेयर्स के लिए मान्यता है कि वो साउथ ईस्ट या साउथ या वेस्ट में आपका होना चाहिए, तो उसका यहाँ पे ध्यान रखा गया है। किचन का ध्यान रखा गया है कि साउथ में होनी चाहिए। बेडरूम हमेशा जो सबसे बेस्ट पोजीशन है बेडरूम की वो होती है साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, तो हमने साउथ वेस्ट में आपका यहाँ पे बेडरूम रखा है। तो कुछ कुछ चीजों का हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग भी, अगर आप अपना प्लान बनवाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को डायमेंशन दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने बाय कितने का अगर आपको प्लान चाहिए, तो हम उस पर ट्राई करेंगे प्लानिंग करने की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्लान को ऑटो कैड में आपको बना के दिखाऊं, या इस प्लान को रेविट में बना के दिखाऊं, रेविट के बाद लुमिन में इसको करके दिखाऊं, या फिर इस प्लान को मैं फोटोशॉप पे रेंडर करके दिखाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिए, तो हम ट्राई करेंगे कि इन प्लान्स को हम उस तरीके से वहां पे लेके जाए और आपके लिए उन सब चीजों को बनाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आपको इसकी DWG फाइल और PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मैं वहां पे इसका लिंक शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।